आज का जो टॉपिक है वो मोर्फोजेन है। काफी क्वेश्चंस आते हैं आप स्टेटमेंट वाइज या कुछ इस टाइप से। मोर्फोजेन एक केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो सकते हैं। मोर्फोजेन नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ मोर्फोजेनेसिस करते होंगे। कहने का मतलब ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि कोई पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करें, मोर्फोजेनेसिस करें, उसको हम लोग मॉर्फोजन कहते हैं। जैसे सपोज कि आप सिग्नलिंग मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, ठीक है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में आप पढ़ते हैं, बहुत टाइप के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, तो जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो हार्मोन हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं, कोई भी कॉम्पोनेंट केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं। उसी तरीके से मॉर्फोजन भी कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि मॉर्फोजन के केसेस में मॉर्फोजेनेसिस डिटरमाइन होगी। समझ में आ रही बात कि जैसे आप सपोज कि आप लोग सिग्नलिंग देखते हैं, ठीक है, इंसुलिन की सिग्नलिंग देखते हैं, तो जब इंसुलिन की सिग्नलिंग होती है तो अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जैसे ही बढ़ता है तो इंसुलिन बढ़ता है और साथ में वो क्या करता है कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ये सारे प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बेसिकली वहां पे कोई मॉर्फोजेनेसिस, कोई पैटर्न फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, लेकिन डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस, प्रोटीन हो सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट या मॉर्फोजेनेसिस को शो करे, तो मीन्स क्या है कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स दिखने चाहिए, है ना, ऑब्जर्व हम लोग कर सके कि हाँ यहाँ पे इस मॉर्फोजेन ने काम किया है। तो उसमें क्या होगा, जब वो मॉर्फोजन, पर्टिकुलर मॉर्फोजन काम करेगा तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न की फॉर्मेशन होगी, कोई शेप बनेगा। तो मॉर्फोजेन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच डिटरमाइन द मॉर्फोजेनेसिस, मतलब मॉर्फोजेनेसिस या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं। मॉर्फोजेन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो सकते हैं, सिंपल केमिकल कंपाउंड या केमिकल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने विटामिन ए सुना होगा, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनोइक एसिड, तो रेटिनोइक एसिड भी मॉर्फोजन हो सकता है। और इसकी डेवलपमेंटल में हम आपको आगे जब और सारे लोग प्रोसेस पढ़ेंगे तो देखेंगे रेटिनोइक एसिड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, जबकि एक सिंपल सा विटामिन है। एक्ट डायरेक्टली ऑन द सेल दैट प्रोड्यूसेस प्रिसाइज बायोलॉजिकल और सेलुलर रिस्पॉन्सेस, की सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कि बहुत सिंपल टाइप के होते हैं, सेल्स पर डायरेक्टली एक्ट करते हैं और बहुत सारे सेलुलर रिस्पॉन्सेस को प्रोड्यूस करते हैं या एक्टिवेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। मॉर्फोजन पैराक्राइन फैक्टर्स हो सकते हैं। पैराक्राइन फैक्टर का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एक टाइप की सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं और दूसरी टाइप की सेल्स उसको रिसीव कर रही हैं और फिर एक्ट करते हैं, ऐसा हम लोगों ने सिग्नलिंग, मतलब जब सेल सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। ठीक इसी तरीके से मॉर्फोजन क्या होते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेल्स प्रोड्यूस कर सकती हैं और वो मॉर्फोजन केमिकल जो भी होते हैं वो यहाँ पे दूसरी सेल्स पे जाके एक्ट कर सकते हैं। तो मॉर्फोजन कैन बी पैराक्राइन फैक्टर दैट आर प्रोड्यूस्ड इन वन सेट और ग्रुप ऑफ सेल्स एंड रीचेस टू अनदर सेल्स, मतलब कि दूसरी सेल्स पर पहुंचकर, और जब ये दूसरी सेल्स पर पहुंचेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न की फॉर्मेशन होगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कोई पैटर्न की फॉर्मेशन करना ही करना है उन्हीं को मॉर्फोजन कहेंगे। मॉर्फोजन कॉन्सेंट्रेशन मतलब मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैटर्न फॉर्मेशन में। कहने का मतलब ये है कि मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन सपोज कि किसी जगह पे, मान लीजिए कोई बेबी मागे एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो हो सकता है दूसरी पैटर्न फॉर्मेशन करे, कॉन्सेंट्रेशन लो है तो हो सकता है दूसरी पैटर्न फॉर्मेशन करे। तो ये होते हैं मॉर्फोजन। अब इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं मॉर्फोजन का। आपको ड्रोसोफिला का हम बता रहे थे, ठीक है, स्ट्रक्चर बता रहे थे, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि किस तरीके से कि यहाँ पे क्या होता है बाइक्वाइड की फॉर्मेशन होती है। बाइक्वाइड को शॉर्ट में हम लोग बाइक्वाइड इस तरह से कह सकते हैं, बीडी बोलते हैं, हाँ, और इसके बाद यहाँ बीसीडी बोलते हैं, इसके बाद यहाँ पे बाइक्वाइड की फॉर्मेशन। अब दूसरा क्या है कि नैनोस का हमने बताया था टेल्स में फॉर्मेशन। अब हम लोग सिर्फ बाइक्वाइड की बात करते हैं, बाइक्वाइड की बात करते हैं, तो बाइक्वाइड का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ देखा गया, एंटीरियर जो रीजन होता है वहां पे बाइक्वाइड की कॉन्सेंट्रेशन देखी गई। बाइक्वाइड एक मॉर्फोजन है जो कि सबसे
फर्स्ट प्रोटीन मॉर्फोजेन है, मतलब सबसे पहले जो मॉर्फोजेन के नाम पे जो जिसकी डिस्कवरी हुई वो बाइक्वाइड था। और बाइक्वाइड का काम क्या है कि जो ड्रोसोफिला होता है उसके एक्सिस फॉर्मेशन में या ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब बाइक्वाइड की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है जहां वहां पे क्या बनता है, हेड बनता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हेड बन रहा है, तो जहां बाइक्वाइड की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है वहां पे क्या होता है, हेड बनता है। इसके बाद एक ग्रेडियंट जनरेट होता है, एक ग्रेडियंट बनता है, जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट बन रहा है। तो जब ग्रेडियंट कम होने लगता है तो थोरेक्स का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से क्या है कि बाइक्वाइड एक मॉर्फोजन है। अब हमने आपको बताया मॉर्फोजन क्या हो सकते हैं, कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि वो एक कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर पे काम करते हैं। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन बाइक्वाइड की थी तो एकदम एंटीरियर में बाइक्वाइड, क्योंकि वहीं पे पाया जाता है तो वहां पे बाइक्वाइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है। जब यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो हेड बनेगा, जब थोड़ा सा ग्रेडियंट कम होने लगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगा तो ये थोरेक्स बनने लगा। तो ये क्या हो गया, बाइक्वाइड। तो मॉर्फोजेंस क्या होते हैं, तो अब देखिए ये बाइक्वाइड एक मॉर्फोजेंस है और इस बाइक्वाइड के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हेड बन रहा है। तो हेड बनना मतलब कि किसी भी पैटर्न की फॉर्मेशन होना, हेड बनना मतलब किसी भी पैटर्न की फॉर्मेशन होना, है ना। तो स्ट्रक्चर दिख रहा है, मॉर्फोजेनेसिस दिख रही है, तो ये होते हैं मॉर्फोजेंस। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लिखा है, पहला तो लिखा है कि बाइक्वाइड फर्स्ट मॉर्फोजन है। ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट मॉर्फोजन ग्रेडियंट डेवलप इन द डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पेसिफिक सेल टाइप, मतलब और ज्यादातर जो मॉर्फोजेंस होते हैं जब अर्ली डेवलपमेंट होते हैं तो वहां पे इनके रोल होते हैं और ये डिफरेंशिएशन करके, जैसे अगर सपोज कि ये जायगोट था, ये मान लीजिए जायगोट था ड्रोसोफिला का, जब स्पर्म ने फर्टिलाइज किया जायगोट बन गया, तो बनने के बाद इसके पास बाइक्वाइड और नैनोज ऑलरेडी मैटरनल साइट से आए होते हैं और इसके बाद ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में सेल्स को डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि ये तो पूरा एक जायगोट है। अब यहाँ पे हेड बन रही है, यहाँ पे थोरेक्स बन रहा है, यहाँ पे एब्डोमेन बन रहा, तो सेल्स के डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं मॉर्फोजन के, वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइप का डिफरेंशिएशन करते हैं जिससे कि स्पेसिफिक टाइप के सेल बनते हैं। हेड वाले सेल बन जाएंगे, एब्डोमेन वाले सेल बन जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेल फेट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल फेट डिटरमाइंड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉर्फोजन। मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि उसी से सेल फेट डिटरमाइन होता है। जैसे कि हाई कॉन्सेंट्रेशन जब मॉर्फोजन की ड्रोसोफिला के केस में एंटीरियर एंड पे थी तो हेड बन गया, जब थोड़ी सी कम हुई कॉन्सेंट्रेशन तो वहां पे क्या बन गया, थोरेक्स बन गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि सेल फेट, जबकि सारे ड्रोसोफिला का जो जायगोट है वो तो एक सेल से फिर मल्टी सेलर बनता है, तो वहां पे सेल्स के टाइप तो एक ही होते हैं, फिर बाद में पर्टिकुलर सेल का फेट डिटरमाइन होता है। वो फेट किसकी वजह से डिटरमाइन हो रहा है, मॉर्फोजेन की वजह से डिटरमाइन हो रहा है। मॉर्फोजेंस आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, हमने ऑलरेडी बताया कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट डिटरमाइन और सेट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल। कोई भी अनस्पेशलाइज्ड सेल है उसको किसी पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन में ले जाएगी, मतलब मॉर्फोजन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करके किसी और कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, कि मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और किसी भी अनस्पेशलाइज्ड सेल को पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन स्टेज में ले जाएगी। फिर मॉर्फोजन स्प्रेड फ्रॉम लोकलाइज एंड फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द डेवलपमेंटल टिश्यू। कोई भी टिश्यू का डेवलपमेंट हो रहा है तो मॉर्फोजन सपोज कि एक जगह पे बनते हैं और दूसरे टिश्यू में स्प्रेड हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मॉर्फोजन आर सिक्रेटेड एज अ प्रोटीन। ज्यादातर मॉर्फोजेंस क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। ज्यादातर मॉर्फोजन क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल, जैसे कि बाइक्वाइड, हंचबैक, ये सब अभी आगे बताएंगे, नैनोस, ये सब क्या है, ये सब ड्रोसोफिला में पाए जाने वाले मॉर्फोजन है और ये सभी प्रोटीन होते हैं। इनके mRNA मैटरनल, जैसे बाइक्वाइड का mRNA मैटरनल मदर से आता है और उसके बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो ये प्रोटीन में चेंज हो जाता है। तो ज्यादातर जो मॉर्फोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन हो, कोई भी सकते हैं। जैसे हमने रेटिनोइक एसिड बताया तो विटामिन भी है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, सिंपल सा सिंपल मॉलिक्यूल मॉर्फोजन का काम कर सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया कि मॉर्फोजेंस प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। ये एग्जाम्पल क्या लेते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा बस इसको ये समझिए कि मान लीजिए कोई टिश्यू है, अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ठीक है। अभी इसमें
किसी भी सेल में कोई भी मतलब डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। अब इसके बाद ये बीड्स कुछ रखे हुए, ये बीड्स रखे हुए, ये बीड्स में कोई भी मॉर्फोजन नहीं है। अभी आप इतना समझिए, इस बीड्स में कोई भी मॉर्फोजन नहीं है, लेकिन इन बीड्स में जैसे ही कोई मॉर्फोजन आ जाता है, कोई मॉर्फोजन आता है मतलब कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि किसी पर्टिकुलर सेल्स के फेट को चेंज कर सकता है, तो जो ये अनस्पेशलाइज्ड सेल थी अब ये पिंक कलर की सेल बन गई, मतलब अपने आप को स्पेशलाइज्ड कर रही है, अपने आप को स्पेशलाइज्ड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो ये मॉर्फोजन था उसकी वजह से अनस्पेशलाइज्ड सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल एक पर्टिकुलर फेट में जा रही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मॉर्फोजन का रोल, है ना। इसके बाद तो अभी इतना ही समझिए, इस डायग्राम को भी आगे फिर समझाएंगे। मॉर्फोजन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बाय फॉर्मिंग अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट सबडिवाइडेड अ फील्ड ऑफ सेल बाय इंड्यूसिंग अ मेंटेन एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट टारगेट जीन एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहाँ पे वही बात कहने की कोशिश की जा रही है कि कोई पर्टिकुलर जगह है यहाँ पे मॉर्फोजन बन रहा है, तो फिर दूसरे अदर सेल्स हैं वहां भी ये मॉर्फोजन के कॉन्सेंट्रेशन जा सकते हैं, लेकिन जो सोर्स सेल है वहां पे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा होगी, लेकिन जहां पे जाएगा वहां पे कॉन्सेंट्रेशन उसका डिवाइड होगा, मतलब कम हो जाएगा। भाई यहाँ पे जो 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 सेल खुद प्रोड्यूस करी तो बट ऑब्वियस है कि वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, और जो बगल वाली सेल है, नेबरिंग सेल्स है, वहां पे जब ये मॉर्फोजन प्रोड्यूस होके जा रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। मॉर्फोजन के एग्जाम्पल्स सोनिक हेजॉग, आपने शायद नाम सुना होगा सोनिक हेजॉग का, हम लोग जब लिम डेवलपमेंट बताएंगे तो वहां पे बताएंगे सोनिक हेजॉग का क्या रोल है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग बीटा ग्रोथ फैक्टर होता है, ये सारे सिग्नलिंग जब इसकी वन बाय वन ये कहीं ना कहीं आपको मिलते जाएंगे जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे। बीएमपी बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, डब्ल्यूएनटी ये हम आपको सिग्नलिंग बताएंगे, डब्ल्यूएनटी हेजॉग सिग्नलिंग, रेटिनोइक एसिड, विटामिन ए, बाइक्वाइड जैसा कि अभी हमने ड्रोसोफिला में बताया, नैनोज, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, मॉर्फोजन के हैं। मॉर्फोजन में भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लाइक ड्रोसोफिला, मतलब ऐसा नहीं है कि मॉर्फोजन, जैसे मैं बताया कि प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन मोस्ट ऑफ द मॉर्फोजन्स आर प्रोटीन, तो मॉर्फोजन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी मॉर्फोजन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, लेकिन हाँ कुछ केसेस में ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे मॉर्फोजन ग्रेडियंट की बात की जा रही है। अभी हमने आपको ये डायग्राम बताया था लेकिन हमने उसको डिटेलिंग नहीं बताई थी, अब हम आपको इस डायग्राम की डिटेलिंग बताएंगे। ये देखिए, ये अनस्पेसिफाइड टिश्यू है, ये एक एक्सपेरिमेंटल है, मतलब आप इसको समझिए ये एक एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट में क्या, ये अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू है, इसमें आप देखिए बहुत सारे सेल्स दिख रहे हैं, या इनको एनिमल कैप सेल बोल रहे हैं, मतलब कि अनस्पेशलाइज्ड सेल है इसलिए इनको ऐसा बोला जा रहा है। और ये टिश्यू किसका है, जीनोपस का। जीनोपस किसको बिलोंग करता है, लाइक फ्रॉग है ना, एम्फीबिया होता है, ठीक। अब इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे देखिए बीच में बीड रखे गए, एक एक्टिविन मॉलिक्यूल होता है, एक्टिविन एक मॉर्फोजन है, एक्टिविन क्या है, मॉर्फोजन है। तो क्या किया गया कि बीड लिए गए, बीड्स है ना, बीड्स लिए गए और उनमें कोई भी एक्टिविन नहीं था, मतलब कोई भी मॉर्फोजन नहीं था। इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में सेम टिश्यू लिया गया, अनस्पेशलाइज सेल थे लेकिन उनमें बीड जो रखे गए, उन बीड में क्या किया गया, उन बीड के ऊपर क्या किया गया कि 1 नैनोमोल का एक्टिविन लगा दिया गया, मतलब मॉर्फोजन, ये क्या है, एक्टिविन क्या है, मॉर्फोजन, 1 नैनोमोल का एक्टिविन इन बीड्स पर लगा दिया गया है। इसके बाद तो मींस कि इसको हम लोग लो कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर कर रहे हैं। फिर जो थर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें क्या किया गया, सेम टिश्यू लिया गया, यही वाला टिश्यू लिया गया, और इसके बाद इनमें जो बीड्स रखे गए उनमें 4 नैनोमोल का एक्टिविन रख दिया गया, ठीक है, मतलब लगा दिया गया बीड्स पर। अब इसके बाद इनको इनक्यूबेट किया गया हुआ, इन बीड्स को यहाँ पे देखिए टिश्यू के बीच में रख दिया गया। टिश्यू के बीच में रखने के बाद ऑब्जर्वेशन की गई, क्या ऑब्जर्वेशन की गई, जिसमें जिन बीड्स में एक्टिविन नहीं था, अब देखिए जीनोपस में एक्टिविन का, जीनोपस के डेवलपमेंट में एक्टिविन मॉर्फोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पर्टिकुलर फॉर्मेशन करने के लिए, डॉर्सल वेंट्रल ये सब, तो उस पर आप मत जाइए कि क्या फॉर्मेशन कर रहा है, बस आप ये समझिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट तो जीनोपस का पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मॉर्फोजन को समझ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि ये क्या है,
कि यहाँ पे मॉर्फोजन, ये बीड्स प्लेन बीड्स थे, इनके इनके पास कोई मॉर्फोजन नहीं था। तो जब इनको कुछ समय बाद डेवलपमेंट में, मतलब थोड़े समय के बाद देखा गया, तो एज इट इज जैसे सेल्स अनस्पेशलाइज्ड थे, ठीक है, जिस टाइप के अनस्पेशलाइज्ड सेल थे वैसे ही थे, मतलब उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टिविन तो रखा नहीं गया था, मतलब कोई भी मॉर्फोजन तो रखा नहीं गया, तो सेल्स अनस्पेशलाइज्ड थे, तो उसी फॉर्म में थे। इसके बाद दूसरे केस में क्या देखा गया, दूसरे केस में देखा गया कि जब मॉर्फोजन की कॉन्सेंट्रेशन 1 नैनोमोल थी, मतलब एक्टिविन का कॉन्सेंट्रेशन 1 नैनोमोल था, तो वहां पे क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर के सेल बन रहे थे, ये पिंक कलर के जो सेल्स बन रहे हैं, इन इन सेल्स को कहा गया ब्रैक्यूरी या इसका होमोलोगस एक्सब्रा। मतलब कि आप ये समझिए कि जैसे जीनोपस के डेवलपमेंट में होमोलॉग जीन है, एक जैसे जीन है, कहीं पर उसको ब्रैक्यूरी कहा गया, कहीं पर उसको एक्सब्रा कहा गया, आप ये समझिए, ठीक। तो ये क्या हुआ कि ये अनस्पेशलाइज्ड सेल ने एक पर्टिकुलर सेल फेट में गए, वो सेल फेट क्या था, एक्सब्रा कहिए या फिर ब्रैक्यूरी कहिए, ठीक है, ब्रैक्यूरी, ठीक है, एक्सप्रेशन हो गया। अब इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी थी, थर्ड टिश्यू था, उसमें बीड्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना रखा गया, 4 नैनोमोल। अब यहाँ पे मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया है, इनमें सब में क्या है, मॉर्फोजन है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, मॉर्फोजन है, इसमें भी मॉर्फोजन है, ठीक है। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है। तो अब देखिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन जहां, मतलब कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो जो बीड्स के पहले 1 नैनोमोल वाले कॉन्सेंट्रेशन में जो एक्सब्रा का फॉर्मेशन हो रहा था, अभी यहाँ पे एक्सब्रा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है गूस्क्वाइट जीन का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, गूस्क्वाइट जीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। मतलब सेल्फेट सेल किसमें जा रही, गूस्क्वाइट में जा रही, लेकिन उसके बाद फिर एक्सब्रा बन रहा है। तो इसका क्या मतलब कि ये जो बीड्स हैं, बीड्स के चारों तरफ मान लीजिए मॉर्फोजन का ग्रेडियंट डिफ्यूज हुआ होगा, तो यहाँ पे बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि 4 नैनोमोल का एक्टिविन है। जब 4 नैनोमोल का एक्टिविन है, तो वहां पे सल्फेट गूस्क्वाइड में जा रही है। अब ये जो 4 नैनोमोल का कॉन्सेंट्रेशन जब दूर जाएगा, जब दूर डिफ्यूज करेगा, यहां से जब भाई कोई चीज यहाँ पे है और यहां से डिफ्यूज करेगी, तो यहाँ कम ही पहुंचेगी। तो जब इन सेल्स के पास पहुंच रही है, तो यहाँ पे लगभग वही 1 नैनोमोल के अप्रोक्स पहुंच रही होगी, तो यहाँ पे जाके फॉर्मेशन हुई किसकी, एक्सब्रा की। समझ में आ रही बात कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कि जब सेम टिश्यू है, यही टिश्यू था इसमें भी और इसमें भी, जब कॉन्सेंट्रेशन लो है तो क्या बन रहा है, एक्सब्रा, जब कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो क्या बन रहा है, गूस्क्वाइट। सेम सेल्स का स्पेसिफिकेशन चेंज, मतलब कि एक तरीके से सल्फेट चेंज हो रहा है। सेम सेल्स यहाँ पे थी, जब 1 नैनोमोल का कॉन्सेंट्रेशन था तो क्या बन रहा था, एक्सब्रा बन रहा था। जब 4 नैनोमोल का कॉन्सेंट्रेशन था, तो वही सेल्स क्या बना रही, गूस्क्वाइट बना रही है। तो ये होता है मॉर्फोजन के कॉन्सेंट्रेशन का, क्या बोलेंगे, स्वैग कि यहाँ पे देखिए कि जब कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो किस तरीके से इसने सल्फेट चेंज कर दिया। ये हो गया कि कोई भी अनस्पेशलाइज्ड सेल अपने सल्फेट को डिफाइन करेगी या अपने सल्फेट को डिटरमाइन करेगी अकॉर्डिंग टू मॉर्फोजन ग्रेडियंट। जब ग्रेडियंट, सपोज फॉर एग्जांपल कि जब ग्रेडियंट यहाँ पे कम था तो क्या बन रहा था, एक्सब्रा बन रहा था। जब ग्रेडियंट ज्यादा है तो क्या बन रहा है, गूस्क्वाइट बन रहा है। और यही ग्रेडियंट जब अब यहाँ पे जो ग्रेडियंट यहाँ पे इसको मिल रहा था मॉर्फोजन का, शायद इस वाले टिश्यू में वो ग्रेडियंट इसको यहाँ पे मिल रहा है, वो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ वाली सेल्स ने क्या बना लिया, एक्सब्रा बना लिया। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट इज द वे ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल इनटू डिफरेंट सेल टाइप, ठीक है। मतलब कि मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट हो गया ना, कि ग्रेडियंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन अनस्पेशलाइज्ड सेल का डिफरेंट सेल टाइप में हो जा रहा है। सेम एक्टिविन तो सेम ही मॉर्फोजन है ना, लेकिन सेम मॉर्फोजन होने के बावजूद भी अपना कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग सेल के फेट चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए क्या हो गया कि मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट इज द वे ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल इनटू डिफरेंट सेल टाइप इवेंचुअली डेवलपिंग ऑल द ऑर्गन ऑफ बॉडी, ठीक है।
मतलब कि परहैप्स सारे ही ऑर्गन बॉडी को मॉर्फोजन के अकॉर्डिंग डेवलप कर सकते हैं. सेल्स डिस्टेंट मतलब कि जो फार है, दूर है फ्रॉम द सोर्स ऑफ मॉर्फोजन गेट लो लेवल ऑफ मॉर्फोजन एंड एक्सप्रेस ओनली लो थ्रेशोल्ड टारगेट जीन. इन कंट्रास्ट सेल क्लोज टू मॉर्फोजन सोर्स विल एक्सप्रेस, सॉरी हाई यहाँ पे होगा, ये गलती से लिख गया है, हाई थ्रेशोल्ड. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स, जैसे सपोज कि ये कोई सेल है, ये मॉर्फोजन सिक्रीट कर रही है, और एक ये सेल है और एक ये सेल है, तो जो सेल इससे पास है, इससे पास है, तो यहाँ पे मॉर्फोजन का हाई थ्रेशोल्ड होगा, और जो सेल इससे दूर है यहाँ पे मॉर्फोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो यहाँ पे लो थ्रेशोल्ड होगा. तो उसी के अकॉर्डिंग अपना ये सेल भले ही एक जैसी सेल्स थी, अलग अलग फेट डिटरमाइन करेंगे. ठीक, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे जैसे देख लेते हैं. तो हम लोगों ने जो अभी देखा, हम लोगों ने जो भी देखा कि जो भी सेल बन रही है, जो भी सेल फेट है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मॉर्फोजन पे डिपेंड कर रहा है. तो अब बताइए, मॉर्फोजन इज अ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत आता है. मॉर्फोजन ग्रेडियंट, मॉर्फोजन ग्रेडियंट कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के में आएगा, आएगा ना, आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि जब सेल्स अपने फेट, ये अनस्पेशलाइज्ड सेल, देखिए यहां पे क्या दिखाया गया कि जब कॉन्सेंट्रेशन 4 नैनोमोल थी, यहां पे एक्टिविन की कॉन्सेंट्रेशन, मॉर्फोजन की कॉन्सेंट्रेशन 4 नैनोमोल थी, तो क्या बन रहा, गुस्क्वाइड बन रहा है. सेम सेल्स हैं, सारी एक जैसी सेल्स हैं. जब कॉन्सेंट्रेशन 1 नैनोमोल थी तो क्या बन रहा था, एक्सब्रा बन रहा था. जब कॉन्सेंट्रेशन पहुंची ही नहीं, जब कॉन्सेंट्रेशन कोई एक्टिविन की पहुंची ही नहीं, तो जो जैसी सेल्स थी तो उनमें कोई एक्सप्रेशन नहीं हुआ, नो एक्सप्रेशन. अनस्पेशलाइज्ड सेल्स थी तो वो एज इट इज वैसी ही रही. ठीक है, तो ये हो गया मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट. अब यहाँ पे एक डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं. डायग्राम में क्या बता रहा है कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये ग्राफ के थ्रू समझाया जा रहा है. ग्राफ के थ्रू मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट को समझाया जा रहा है. यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे ये सेल्स हैं, कुछ जो रेड आपको सेल्स दिख रही हैं, ये शो कर रही हैं कि ये मॉर्फोजन सिक्रेटिंग सेल्स हैं. ये मॉर्फोजन सिक्रेटिंग सेल्स हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये सोर्स सेल्स हैं, ये मतलब मॉर्फोजन को सिक्रेट करती हैं. अब इसके बाद यहाँ पे जो ये सेल्स हैं, जितने दूर जा रही हैं उतना कम मॉर्फोजन ग्रेडियंट ये रिसीव कर रही हैं, क्योंकि भाई ये सेल्स सिक्रीट कर रही हैं तो मॉर्फोजन ग्रेडियंट यहाँ जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, लेकिन यहाँ हो सकता ना भी पहुंचे, क्योंकि यहां तक आते आते वो कॉन्सेंट्रेशन में भी ना पहुंचे. तो क्या देखा गया कि जहां भाई जो सेल्स प्रोड्यूस कर रही है तो उनके पास तो ऑलरेडी मॉर्फोजन की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो हाई है तो मीन्स की उनका थ्रेशोल्ड वन है, तो वन टाइप के सेल्स बनाएंगे, वन टाइप के सेल्स बनाएंगे. और जब वन टाइप के सेल्स बनाएंगे तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई होने की वजह से पर्टिकुलर सेल का फेट हो गया. और यहाँ पे देखिए हाई थ्रेशोल्ड लेवल, मतलब सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन. फिर जब कॉन्सेंट्रेशन मॉर्फोजन की, देखिए मॉर्फोजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही, घट रही है, मॉर्फोजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही, कम हो रही है. अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सेल्स क्या रिसीव करने वाली सेल्स है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि मॉर्फोजन को रिसीव करती है, परसीव मतलब सिक्रीट नहीं कर रही, ये रिसीव कर रही है बगल वाली सेल्स. जैसे हमने बताया मॉर्फोजन आर पैराक्राइन फैक्टर, तो एक तरीके से ये पैराक्राइन फैक्टर ही तो हो गए, ये प्रोड्यूस कर रही है, रिसीव कर रही है. फिर ये जब करेंगी तो एक दूसरा थ्रेशोल्ड होगा, अदर टाइप के सेल्स बनेंगे, ये अदर टाइप के सेल्स बन गए, और मे बी यहां तक आते आते मॉर्फोजन रिसीव ही ना हो तो कोई नो एक्सप्रेशन हो जाएगा. तो डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, जहां जैसा डिस्टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग मॉर्फोजन की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे डिक्लाइन होती जाएगी. ठीक है, ऐसे डिक्लाइन होती जाएगी. ठीक है, ये जैसे देखिए यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे मॉर्फोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही, उसी के अकॉर्डिंग सेल फेट भी चेंज हो रहा है. ठीक है, तो ये हो गया मॉर्फोजन. अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं. अ मॉर्फोजन कैन डिटरमाइन फेट ऑफ सेल By its concentration, ठीक है. मॉर्फोजन क्या कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग फेट को डिटरमाइन करता है, ये तो बिल्कुल हमें पता है. इसके बाद फिर क्या है, गिवन बिलो आर द सम स्टेटमेंट ऑन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म टू स्टडी ग्रेडियंट डिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ मॉर्फोजन
एक्टिविन ऑन द सेल फेट बाय प्लेसिंग एक्टिविन 4 नैनोमोल, ठीक है, 4 नैनोमोल का कॉन्सेंट्रेशन एक्टिविन का किया गया और सिक्रीटिंग बीड्स ऑन अनस्पेसिफाइड सेल फ्रॉम एन अर्ली जीनोपस एम्ब्रियो. बोला गया कि 4 नैनोमोल का क्या लिया गया, एक्टिविन लिया गया, मतलब एक्टिविन बीड्स लिए गए जो कि बीड्स सिक्रीट करते 4 नैनोमोल को. अब ये तो जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा सेम वही एक्सपेरिमेंट इस क्वेश्चन में आया है, ठीक है. बस यहाँ पे क्या है कि सिर्फ 4 नैनोमोल को यहाँ पे बताया गया है. अब इसके बाद तो इसमें से स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट दी हुई है. क्या दी हुई है, बीड्स विदाउट एक्टिविन डू नॉट एलिसिट एक्सप्रेशन ऑफ आइदर एक्सब्रा जीन और गोस्क्वाइट जीन. कहने का मतलब स्टेटमेंट ए में कह रहा है कि अगर बीड्स पर क्या ना हो, एक्टिविन मॉर्फोजन ना हो, तो ना तो एक्सब्रा जीन एक्सप्रेस होगा और ना तो गोस्क्वाइट जीन एक्सप्रेस होगा. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल हमारा सही हो गया, क्योंकि एक्टिविन क्या है, एक्टिविन एक्ट एज अ मॉर्फोजन और वो तो होना जरूरी है ना. तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, मतलब स्टेटमेंट है ना. इसके बाद दूसरा क्या है, सेल नियरेस्ट टू द बीड गेटिंग हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिविन इंड्यूस्ड गोस्क्वाइट जीन हुज प्रोडक्ट इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्पेसिफाइड फ्रॉम डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर. जब एक्टिविन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है तो वहां पे गोस्क्वाइट बनता है. ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही हो गया. जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब 4 नैनोमोल की कॉन्सेंट्रेशन होती है तो वहां पे क्या होता है कि गोस्क्वाइट का फॉर्मेशन होने लगता है, लेकिन जब 1 नैनोमोल का था तो वहीं पे क्या बन रहा था, एक्सब्रा बन रहा था. तो स्टेटमेंट हमारा बी भी सही है. इसके बाद सेल्स नियरेस्ट टू द बीड्स गेटिंग हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिविन इंड्यूस्ड एक्सब्रा जीन हुज प्रोडक्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्पेसिफाइड और डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर. अब यहां पे क्या बोला गया है कि सेल नियरेस्ट टू द बीड, जो मतलब कि जो सेल्स बीड्स के नियर हैं और जिनके पास हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन एक्टिविन की है, वो एक्सब्रा जीन का एक्सप्रेशन करेंगी. तो जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन वाला था वो क्या एक्सप्रेस कर रही थी, गोस्क्वाइट कर रही थी. तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. इसके बाद सेल फार्देस्ट फ्रॉम द बीड गेटिंग नेग्लिजिबल एक्टिविन एक्टिवेट एक्सब्रा. अब कोई इतनी दूरी पे बीड्स हैं जहां पे सेल्स पहुंच ही नहीं पा रही बीड्स के कॉन्सेंट्रेशन से और वहां पे एक्टिविन पहुंच नहीं पा रहा, नेग्लिजिबल है, तो ऐसे केस में क्या एक्सप्रेशन होगी या एक्टिवेट होगा एक्सब्रा जीन, नहीं होगा. तो इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट. सेल फार्देस्ट फ्रॉम द बीड्स गेटिंग नेग्लिजिबल एक्टिविन एक्टिवेट नाइदर एक्सब्रा नॉर गोस्क्वाइट, है ना. तो जो सेल्स दूर हैं एक्टिविन के उनमें से तो कोई भी ना एक्सब्रा बनेगा ना गोस्क्वाइट बनेगा. एंड डिफॉल्ट जीन एक्सप्रेशन इंस्ट्रक्टेड, जो अनस्पेसिफाइड सेल या उनको जो भी फेट उनका ऑटोमेटिक डिफॉल्ट होगा वही फेट में वो चली जाएंगी. तो और मतलब कि ये तो डेवलपमेंट पूरा जब इसका जीनोपस का या फ्रॉग का, तो उसमें ये सब बताया जाएगा कि कहाँ पे एक्सब्रा ये सब का फॉर्मेशन होता है. तो इससे आपको मतलब नहीं, आपको मॉर्फोजन के अकॉर्डिंग आंसर देना. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए ए बी एंड ई, ठीक है. ई, फॉलोइंग आर द सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉर्फोजन ग्रेडियंट एंड सेल स्पेसिफिकेशन. मॉर्फोजन ग्रेडियंट की बात हो रही, मॉर्फोजन ग्रेडियंट की बात हो रही, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें से स्टेटमेंट बताना. मॉर्फोजन आर ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो ऑलवेज जैसे हमने बताया कि मे बी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ऐसा नहीं कि हमेशा कोई भी मॉर्फोजन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही होगा, नहीं, प्रोटीन हो सकते हैं या कुछ अदर मॉलिक्यूल हो सकते हैं. मॉर्फोजन का मतलब ये होता है कि कोई पैटर्न की फॉर्मेशन करे और वो कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल हो जो कि किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न की फॉर्मेशन करे वो मॉर्फोजन की कैटेगरी में आ जाएंगे. मॉर्फोजन्स कैन बी पैराक्राइन फैक्टर, ये तो सही. तो ये स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा. मॉर्फोजन कैन बी पैराक्राइन फैक्टर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन वन ग्रुप ऑफ सेल एंड ट्रेवल टू अनदर पॉपुलेशन ऑफ द सेल. तो ये क्या हो गया, ये हमारा सही हो गया, ठीक है. ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सही ऑप्शन हो गया, मतलब स्टेटमेंट. व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉर्फोजन ड्रॉप बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड सेल स्टॉप डिफरेंशिएटिंग एंड नेवर गेट डिटरमाइंड टू अनदर फेट.
मतलब कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि मॉर्फोजन का कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाए और किसी पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लेवल से, तो वो अपना डिफरेंशिएशन स्टॉप कर देगा एंड नेवर गेट डिटरमाइंड टू अनदर फेट, मतलब कि और किसी और फेट में जाएगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिल रहा है, वो बताए हुए फेट में नहीं जा पा रहा है, तो उसको जो भी फेट होगा वो उसको डिटरमाइन करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो गया। इसके बाद फिर ये डी में क्या है, मॉर्फोजन ग्रेडियंट आर इन्वॉल्व इन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है क्योंकि कोई भी सेल्स है, अभी हमने कंडीशनल स्पेसिफिकेशन आपसे पूछा था कि मान लीजिए कोई सेल है, अब ये सेल का फेट चेंज हो रहा है, जैसे कि इसी में इसी वाले इसमें देखिए कि यहाँ के ही सेल्स का फेट क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग, मॉर्फोजन के अकॉर्डिंग। जब यहाँ पे एक्टिविन की कॉन्सेंट्रेशन 1 नैनोमोल बन रही है मिल रही है तो एक्सब्रा बन रहा है, जब यहाँ पे एक्टिविन की कॉन्सेंट्रेशन 4 नैनोमोल मिल रही है तो गुस्क्वाइड बन रहा है, तो सेल्स के फेट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और किसकी वजह से, इंडक्शन हो रहा है आस मतलब ये बीट्स की वजह से। तो ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसको मान लीजिए कोई इंडक्टिव सेल मान लीजिए, तो ये सेल्स क्या इंडक्शन कर रही है या इंडक्टिव सिग्नल दे रही है कि भाई फेट चेंज कर दो। ये ऐसा नहीं कि ये अपना फेट जो डिसाइड किया हुआ वही फेट ला रहा है, ये फेट ला रहा है एनवायरमेंटल फैक्टर कि अगर एक्टिविन मॉर्फोजन की कॉन्सेंट्रेशन जैसी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी एंड डी।